कार्यक्रमों का आयोजन जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को किया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रों को उसमें सहभागिता करने के पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए। अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। छात्रों को विविध प्रकार की लोक कलाओं, लोक नृत्य, लोक संगीत तथा लोक कथाओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए तथा उनमें उनसे मिलने वाली कक्षाओं का स्पष्ट रूप से विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में उल्लेख होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारे सांस्कृतिक जो आधार थे जो कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालयी शिक्षा के वैज्ञानिक आधार। तो विद्यालयी शिक्षा के वैज्ञानिक आधार में साइंटिफिक बेसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिकता भौतिक विकास एवं सांस्कृतिक संसाधनों के सार्वजनिक हित में प्रयोग के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा ही संपूर्ण विश्व को एक मंच पर एकत्रित किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति का श्रेय विज्ञान को जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए विद्यालयी शिक्षा में निम्नलिखित तथ्यों एवं ज्ञान को वर्गों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये सारे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक आधार को हम ये मान के चलते हैं कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के बिना जो उन्नतिशील विकास की धारा है उसमें कभी भी हम शामिल नहीं हो सकते। तो विज्ञान की शिक्षा बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को परिवेशीय घटनाओं के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तालाब से कुआं धुआं उठता है, उठता देखकर छात्रों के मन में यह भावना विकसित होती है कि इसका मूल कारण क्या है। फिर है दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, जिस सीखने के अवसर देने चाहिए जिससे छात्रों के द्वारा प्रत्येक प्रयोग को स्वयं किया जा सके। फिर है तीसरा, पाठ्यक्रम में छोटी छोटी समस्याएं छात्रों के स्तरानुकूल प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र खोज एवं तर्क की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो। चौथा है, छात्रों के विद्यालयी शिक्षा में विविध प्रकार की कल्पनाएं करने तथा सृजनात्मक कार्य के अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर है पांचवा, विद्यालयी शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जैसे छात्रों को बीज के अंकुरण करना, अंकुरण का रूप बताना या उसको पढ़ाया जाना, विद्यालय में बीज के अंकुरण की प्रक्रिया करवाना। फिर है छठा, छात्रों की सृजनात्मक कल्पनाओं का शिक्षक द्वारा परिहास नहीं करना चाहिए तथा वरन प्रत्येक छात्र एवं शिक्षक स्वयं शिक्षक द्वारा उस पर परिचर्चा करके परीक्षण की योग्यता विकसित होगी। इस प्रकार अवलोकन और घटनाएँ बताई जानी चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।